हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी के टाइम में हूँ चोरवाड़ में। तो चोरवाड़ दोस्तों गुजरात का एक छोटा सा गांव आया हुआ है। आप लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हमारे इंडिया की बड़ी कंपनी है। उस रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक धीरूभाई अंबानी का भी ये गाँव है, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर उनके घर को रिलेटेड, यानी कि उनके घर को पूरा दिखाया है आप लोगों को, जो गुजरात के चोरवाड़ में आया हुआ है। तो दोस्तों, चोरवाड़ में हॉलीडे कैंप नाम के एक जगह आई हुई है, जो एक बीच है। तो आप लोगों को आज हम हॉलीडे कैंप का पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं, पूरे यहाँ का पूरा। आप लोग मेरे पीछे की साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे नाव वगैरह भी है। तो बहुत बड़ा बीच आया हुआ है, और दोस्तों साथ में यहाँ पे एक पैलेस आया हुआ है, यानी कि एक महल है जो काफ़ी साल पुराना है, उसको भी हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को ये नज़ारे दिखाते हैं। तो चलिए, अभी हम जा रहे हैं समुद्र के किनारे की तरफ, और आप लोगों को यहाँ पर ठंडी हवा यह महसूस हो रही है कि मेरे बाल भी आप देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से हवा में उठ रहे हैं। तो मेरे पीछे की साइड आप देख सकते हैं, पानी के अंदर बहुत सारी नाव मौजूद है, और ये पीछे की साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे वो महल भी आप लोगों को पीछे से नज़र आ रहा होगा। अभी हम उस साइड में भी जाने वाले हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा हो रहा है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। साथ में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पीछे की साइड एक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पर जाते हैं और आप लोगों को वहाँ से पूरा व्यू दिखा दें। सो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये पूरा नज़ारा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये छोटा सा एक पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ से आप खड़े होकर समुद्र के नज़ारे को देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी छोटी छोटी नाव आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये दोस्तों समुद्र के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जाती है, बड़ी बड़ी नाव जाती है, तो यहाँ पे ये छोटी नाव है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सूर्य का कितना ही खूबसूरत यहाँ पे पानी के अंदर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पूरा इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये इस पूरे माहौल को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत पानी के नज़ारे आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें आप लोगों को नज़र आ रही होगी। दोस्तों, यहाँ से आप लोग इस पूरे समुद्र के किनारे के मज़े ले सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को बहुत ही कमाल का व्यू आता है सारी जगह। दोस्तों, अभी हम उस महल पे भी जाएंगे, तो आप आगे चलते हैं वीडियो में। यहाँ से एक बार आप लोगों को पीछे की तरफ से पूरा समुद्र का बीच जो नज़र आता है उसका एक व्यू दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ही खूबसूरत और गजब का यहाँ से व्यू आ रहा है, ये पूरा लोकेशन काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सामने की तरफ वो महल नज़र आ रहा है जो मोहम्मद खान ने यहाँ पे बनवाया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार आपको पूरा यहाँ तक व्यू नज़र आ रहा होगा, दिखा देते हैं एक बार से फिर से, और फिर हम आगे चलते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है, और ये सामने देख सकते हैं यहाँ से पूरा लोकेशन जो आपको नज़र आता है वो काफ़ी ही ज़्यादा बेहतर होता है। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी ही बढ़िया और अच्छी जगह मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे आगे चलते, आपको महल के करीब लेके जाएंगे, आपको महल के
नज़ारों को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आप लोगों को आगे महल दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये जो महल है, ये जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद खान तीसरे ने यहाँ पे इस महल को खड़ा किया था अपने समर वेकेशन के लिए। वो यहाँ पे अपनी छुट्टियों के टाइम में, यानी कि छुट्टियाँ लेके यहाँ पे इस बीच पे कुछ दिनों के लिए रुकने आते थे। तो उन्होंने यहाँ पे ये पूरा महल बनवाया था। अभी हम आप लोगों को महल का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम वो महल एकदम खंडर जैसा हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनाया था, जो आप लोगों को यहाँ पे पीछे पानी में दिख रहा होगा, ये उन्होंने यहाँ पे स्विमिंग पूल बनवाया था जिसमें वो नहाया करते थे। तो चलिए दोस्तों अभी आप लोगों को भी दिखाएंगे हम और आगे और समुद्र के किनारे जो आप लोगों को नज़र आएंगे। यहाँ पे लोग अभी अपनी वेडिंग्स यानी कि शादियों की फ़ोटोशूट वगैरह करवाने आ रहे हैं। अच्छा लोकेशन है दोस्तों, अगर आप लोग भी काफ़ी कम बजट में अगर आप ऐसा कुछ लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो ये चोरवाड़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी नाव खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत सारी नाव भी है और ये सारी नाव इस समुद्र के अंदर जाती है। तो आप देख सकते हैं पानी के अंदर भी बहुत सारी नाव है। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह मानी जा सकती है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी इसको टूरिस्ट प्लेस से हटा दिया गया है, क्योंकि ये जितनी जगह खूबसूरत नज़र आ रही है आप लोगों को उतनी ज़्यादा डेंजरस है। ये पानी है ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये जो बाकी समुद्र के जैसे ये पानी शांत नहीं रहता है। आप लोगों को समुद्र की लहरें की आवाज़ सुन के अंदाज़ा आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ये भयानक जगह भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा था कि पानी के अंदर स्विमिंग पूल बनाया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सामने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अभी आगे चलते हैं और आप लोगों को महल दिखाते हैं जो समुद्र के किनारे काफ़ी खूबसूरत महल बनाया गया होगा। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नाव के पीछे आप लोगों को एक खंडर जैसा नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों ये जो महल हुआ करता था मोहम्मद खान का, वो महल ही है दोस्तों। उसका एक छोटा सा हिस्सा इस तरफ है और दोस्तों बाकी का हिस्सा आगे की तरफ है। लेकिन दोस्तों इसकी कंडीशन काफ़ी ही ज़्यादा वीक हो चुकी है अभी के टाइम। दोस्तों जब मैं लास्ट टाइम आया था मुझे याद है ये काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में था, लेकिन इस बार इसकी जो मुझे नज़र आया दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पर चोरवाड़ जब आए तो इस महल के अंदर जाने की गलती बिल्कुल ना करें। इसका जो व्यू है आप दूर से ही देखें और इसके नज़दीक भी जाने की ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों ये बांधकाम जो है वो काफ़ी साल पुराना है, तो कभी भी तरह से हो सकता है और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें ऐसी जगहों पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ। सो चलिए दोस्तों अभी आप लोगों को इस महल के कुछ नज़ारे दिखाते हैं गजब के, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों मेरे पीछे की साइड वो महल है, आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से ये महल अभी खंडहर हो चुका है। लेकिन दोस्तों जब ये महल यहाँ पे एक अपनी अच्छी कंडीशन में था तब के टाइम इसके अंदर काफ़ी कीमती झूमर वगैरह भी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से वो सारी चीज़ें यहाँ से चोरी हो गई है और ये अभी के टाइम एकदम खंडहर हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जाली लगाई गई है, मतलब ये कांटे ऐसे कुछ सब कुछ डाल दिया गया है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ताकि इसके अंदर कोई अंदर ना जा सके। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन यानी कि पुराने टाइम का है। यहाँ से देख सकते हैं ये अभी इसकी पूरी इमारत एकदम धराशायी हो गई है। काफ़ी खूबसूरत जगह रही होगी उस टाइम में। और दोस्तों ये अभी के टाइम में वेडिंग शूट यानी कि फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं, यहाँ पे वीडियोग्राफी करते हैं, उसके लिए ये बहुत ही परफेक्टली लोकेशन माना जाता है। और दोस्तों अक्सर आप लोगों ने इस
जगह को शायद किसी वीडियो में या किसी की शादी के वीडियो में ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, चोरवाड़ बीच है। अगर आप लोग भी इस चोरवाड़ बीच पे आना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे गड़ू आता है जो इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आता है वो गड़ू में है। तो गड़ू के लिए आप जब सोमनाथ जाते हैं तो सोमनाथ के बीच में गड़ू नाम का एक गाँव आता है, सिटी है छोटा सा, वहाँ की टिकट आप लेके यहाँ पे चोरवाड़। दोस्तों 3 से 4 घंटे बिताने के बाद जो ये पूरा मुझे व्यू देखने को मिल रहा है, किस में से देखने को मिलता है दोस्तों ये नज़ारा। यहाँ पे देख सकते हैं नीला आसमान, बीच में पानी और ये समुद्र का किनारा इस जगह को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। नहीं है दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इस चीज़ को। और दोस्तों ज़्यादातर मुझे समुद्र के किनारे जाना पसंद है और ये अक्सर मेरे वीडियोस पे आपने समुद्र के किनारे देखे होंगे, फिर वो सोमनाथ का बीच हो दोस्तों या फिर वो चोरवाड़ का बीच। और भी आने वाले टाइम में हम ऐसे ही बीचेस पे जाने वाले हैं और ऐसे कमाल के नज़ारों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, तब तक हम ये प्यारा सा नज़ारा देखते हैं और आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों लाइफ में अगर आप लोगों को भी मौका मिले इस चोरवाड़ बीच पे आने का तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मौजूद है ये शानदार महल और साथ में समुद्र का प्यारा सा पानी। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को आसपास की जगहों के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे और भी बहुत सारे ऐसे मकान हैं यहाँ पे जो एक टाइम पे रिजोर्ट हुआ करते थे दोस्तों। जब ये पूरा समुद्र का किनारा आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं, ये पीछे जो समुद्र का किनारा है यहाँ पे लोग समर वेकेशंस में आते थे, हॉलीडेज में आते थे और यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और ये महल तो आपको यहाँ पता ही है कि कितना इस जगह को खूबसूरत बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे रिजोर्ट हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों देख के बुरा लगता है कि ऐसी खूबसूरत सी जगह अभी के टाइम एकदम तहस नहस हो चुकी है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट इस जगह को पब्लिक टूरिस्ट प्लेस पे एक तरह से जगह दे चुका था दोस्तों, लेकिन अभी के टाइम पूरी तरह हटा दिया गया है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी जगहों को भी हटाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितनी खूबसूरत ये जगह है उससे ही ज़्यादा खतरनाक ये जगह है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर खतरा बना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से ये पूरा महल का व्यू आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से जो सामने है उसका यहाँ पे पीछे की तरफ मेन गेट आया हुआ है इस महल का, जहाँ से आप लोगों को इस महल के अंदर जाने का मौका मिलता था एक टाइम पे जब इसका पूरा कंडीशन एकदम अच्छा हुआ करता था। लेकिन अभी दोस्तों इसके अंदर एंट्री बंद हो चुकी है तो अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है।
दोस्तों मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इस हॉलीडे कैंप बीच पे। दोस्तों आप लोग भी यहाँ पे बाई फ्यूचर कभी भी आना चाहते तो आ सकते हैं, काफ़ी गजब की जगह है और काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे आप लोगों को एकदम सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे आप एक टाइप से रोमांटिक प्लेस भी हो सकता है कपल्स के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कपल्स ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो में मज़ा आया है, हमारा ये वीडियो पसंद आया है, ये जगह अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भोलेनाथ।